देश में गिरते राजनीतिक स्तर का सॉलिड उदाहरण। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने पर ही रोने लगा इंटॉलरेंस गैंग। पुलिस थाने के चक्कर काटती इन बुरकानशी का नाम है गुलिस्ता। गुलिस्ता अलीगढ़ में दिल्ली गेट थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती हैं। मगर गुलिस्ता का आरोप है कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली तो मकान मालिक ने उन्हें घर से निकालने की धमकी दे दी। कल हम गए थे इसमें मीटिंग में, कल वहाँ पर गए थे, कल हमें वहाँ पर उन्होंने ये देखा फोटो हमारा इसमें पेपर में फोटो, तो हमारे मकान मालिक देख के वो हमसे ये कहने लगे कि ये तुम कहाँ जाती हो, ये हिंदुओं से तुम आप ऐसा करा रही हैं वैसा करा रही हैं, गंदे गंदे अल्फाज बोल रहे थे हमसे और लिख लो हमारा मकान खाली करो अभी। दरअसल इन दिनों बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, उसी सदस्यता अभियान के तहत गुलिस्ता ने बीजेपी ज्वाइन की। लेकिन उनका आरोप है कि बीजेपी ज्वाइन करते ही मुस्लिम मकान मालिक ने उन्हें घर छोड़ देने की धमकी दी और बदसलूकी की। एक कल एक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, उसी को लेकर के जो है मकान मालिक की जो माँ है मदीना, जो 75 साल की वृद्धा है, उसके द्वारा जो है गाली गलौज की गई और उसको कुछ भला बुरा कहा गया है। उसी के आधार पे जो है तहरीर ली गई किराएदार महिला से और उसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इधर पीड़िता महिला ने शिकायत दर्ज की, मगर उधर मकान मालिक गुलिस्ता के आरोपों को नकार रहा है। उसकी माने तो गुलिस्ता ने कई महीनों से ही ना तो किराया दिया है और ना बिजली का बिल। इसी विवाद में कहा सुनी हुई है, किराया इन पे बहुत चढ़ गया हमारा, तो दे नहीं रही है पैसा, तो ये 6 महीने का चढ़ा हुआ है, 5 साल से रह रही हैं और 11,000 लाइट का चढ़ा हुआ है और 6,000 रुपए किराया। बहरहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है, मगर इस विषय पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने साफ शब्दों में कहा है कि घर से निकाली गई महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। ये छोटी मानसिकता के लोग सिर पर की ये पर्चे देता है, प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का काम करेंगे, उस बहन का स्वागत करने का काम करेंगे। मोदी जी का विश्वास है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मतलब कि अब इस मामले में सियासत भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के सामने चुनौती ये है कि वो इस बात का पता लगाए कि क्या वाकई महिला को घर से इसलिए निकाला गया कि उसने बीजेपी की सदस्यता ली थी या फिर वजह किराया ना देना है। हो जो भी, अगर वाकई सिर्फ बीजेपी की सदस्यता लेने पर मुस्लिम महिला को मुस्लिम किराएदार ने घर से निकाल दिया तो फिर ये सोचना होगा कि देश में राजनीति किस स्तर पर जा रही है। अकरम खान, अलीगढ़, भारत का।